भारत मालदीव विवाद के बीच इन दिनों एक पतंग व्यापारी खूब छाया हुआ है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। इसकी वजह ये है कि पतंग कारोबारी की अभी तक की सारी पतंगें बिक चुकी है। इस पतंग कारोबारी का नाम देवेंद्र गुप्ता है और ये लखनऊ से है। दरअसल मकर संक्रांति के दिन लोग जमकर पतंग उड़ाते हैं। ऐसे में देवेंद्र गुप्ता ने इस बार पीएम मोदी की 24,000 पतंगे मंगवाई। और हैरानी देखिए, मालदीव विवाद और राम मंदिर की वजह से हर तरफ छाए पीएम मोदी की पतंग लेने के लिए लोगों की भीड़ इस कदर उमड़ी कि कारोबारी का उन्हें संभालना ही मुश्किल हो गया। कारोबारी का कहना है कि सिर्फ 2 दिन में ही उनकी सारी पतंगें बिक चुकी हैं और अभी सिर्फ और सिर्फ 1,000 ही बची है। अब ये तो जैसे अब इनका अचीवमेंट जो भी है नरेंद्र मोदी जी का चंद्रयान का है, तो उसके लिए पतंगें आई हैं, लोगों में डिमांड है और उनका 2024 का मिशन है जीतने का, उसकी डिमांड है, तो उसी हिसाब से पतंग बनाई गई हैं कि लोगों को जो आकर्षण रहता है, जो डिमांड रहती है, हम लोग तो उसी के हिसाब से चलते हैं। तो सर कीमत क्या है इनकी? कीमत बहुत कम है, केवल 5 रुपये। बहुत जबरदस्त, मोदी जी खुद शौकीन है पतंग के, वो खुद पतंग पेच लड़ाते हैं। और हो सकता है इस बार तो ये क्या आयोजन अभी हो रहा है, शायद फैजाबाद में हो रहा है शायद, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है पतंगबाजी का, ठीक से मुझे याद नहीं, शायद फैजाबाद का ही है मामला। तो वो बहुत अच्छा आयोजन पतंग का, अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो रहा है और मोदी जी खुद ही शौकीन है, वो भी उड़ाते हैं, मकर संक्रांति भी हमेशा पतंग उड़ाते हैं वो। सर कितनी मांग है मोदी जी की पतंगों की? उसको तो हजारों में कह सकते हैं और अगर इंडिया में पूरी बात करें तो लाखों में कह सकते हैं। आपके पास की सारी बिक गई, कुछ ही बची है? हाँ, मेरे पास करीब 24,000 पतंग, शायद मेरे ख्याल से अब 1,000 बची होंगी। इतनी भारी डिमांड है? हाँ, बहुत डिमांड है। सर मोदी जी के अलावा और क्या कुछ खास, कौन सी पतंगें आई हैं? उसके अलावा जैसे अब बसंत पंचमी आ रही है, उसके लिए येलो काइट्स हैं, और 26 जनवरी आ रही है, उसके लिए तिरंगा की डिमांड रहती है थोड़ा सा, उस तिरंगे डिजाइन में बने हुए थोड़ा बहुत, तो वो पतंगे बहुत जल्दी आ जाएंगी। अब जैसे मकर संक्रांति हो जाएगी वैसे वो आ जाएंगी, तो तिरंगा चलेगा। खरीदारी करने तो आपके यहाँ कैसे पहुँचे? अब हमारा एड्रेस वैसे गूगल मैप पे है, देवेंद्र काइट सेंटर, अगर आप टाइप करेंगे गूगल मैप पे दिख जाएगा फौरन। पतंग कारोबारी का कहना है कि इस बार मकर संक्रांति पर आसमान में चारों ओर मोदी काइट ही नजर आएंगी। मोदी काइट की इतनी भारी डिमांड है कि सिर्फ 2 दिनों में ही उनका स्टॉक पूरी तरीके से खाली हो चुका है। मोदी काइट में चंद्रयान की झलक के साथ साथ मिशन 2024 और पीएम मोदी की अब तक की सभी अचीवमेंट्स को दर्शाया गया है। ये पतंगे भगवा रंग के साथ साथ अलग अलग रंगों में भी तैयार करवाई गई हैं और इनकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये रखी गई है, ताकि हर कोई इसे खरीद सके।